इमरजेंसी में मोबाइल को कैसे चार्ज करें जल्द से जल्द। कौन सा जीव है जो कि समुद्री पानी पीकर जीवित रह सकता है। सबसे बड़ा बिल्ली कौन सा है। कौन सा जीव है जिसको पसीना नहीं आता है। वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। गाइज मैं आप लोगों हम लोगों को अगर समुद्र के पानी कह दिया जाता है कि आप समुद्र के पानी पीकर ही जीवित रहना है, आप लोग हम लोग पीकर नहीं जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में साल्ट यानी कि नमक होने के यानी खारा पानी होने के कारण नहीं पीकर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन रैट और कैट यानी कि बिल्ली और चूहे समुद्र के पानी पीकर जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो अंदर फिल्टर है वह नमक को यानी कि साल्ट को छान कर अलग कर देते हैं, जिसके कारण उनका कोई भी दिक्कत नहीं होगा बिल्ली को और चूहे का। मैं वीडियो गाय जो कैट है बिल्ली वह सबसे अधिक यानी कि उसका लंबाई सबसे अधिक कितना बड़ा तक है, अभी तक कितना बड़ा रिकॉर्ड किया गया है, आप कितने बड़े बिल्ली यानी कि कितने फीट कितने मीटर तक बिल्ली को देखे हुए हैं मेरे चार सत्र में लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो अक्सर यानी कि सबसे बड़े बिल्ली का जो हाइट देखा गया है एक यानी कि 1.23 मीटर, जिसको कहा जाए फीट में तो लगभग 4 फीट से थोड़ा सा कम यानी 4 फीट के करीब बिल्लियों का देखा गया सबसे अधिक। गाइज मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ कि आज तक कोई साइंटिस्ट या साइंस नहीं प्रमाणित कर पाया है कि जो डायनासोर है वह कितने दिनों तक जीवित रहते थे, लेकिन उनका जो हड्डी यानी कि मशीनों द्वारा पता लगाया गया है कि वह सबसे अधिक यानी कि जीने का प्रक्रिया सबसे अधिक कोई तो देखा नहीं है, मशीन द्वारा ही पता लगेगा। जी हाँ, लेकिन 200 वर्ष लगाया अनुमान सभी वैज्ञानिकों ने कि लगभग 200 वर्षों तक एक डायनासोर जीवित रहते। मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पर इमरजेंसी सेवा यानी कि इमरजेंसी में कहीं पर जाना है, घर छोड़कर बहुत जल्द निकल जाना है और उसी समय में आपको मोबाइल को चार्ज कर भी लेना है यानी कि बहुत तेजी से, आप कौन सा प्रक्रिया करेंगे। कहेंगे कि मैं स्विच ऑफ मोबाइल करके चार्ज कर लूंगा लेकिन जल्द ढह जाएगा बैटरी उसका। आप अगर उसे फ्लाइंग मोड यानी कि एयरप्लेन मोड में लगाकर उसे चार्ज करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वह बहुत तेजी से चार्ज भी हो जाएगा और जल्द यानी कि बैटरी जो है बहुत जल्दी कम भी नहीं होगा, डाउन भी नहीं होगा एयरप्लेन मोड में चार्ज करने पर। कौन सा जीव जंतु है जिसे पसीना नहीं आता है। मनुष्य को पसीना बहुत अधिक मात्रा में आता है, जैसे कि कुत्ते को पसीना आता है अधिक मात्रा में तो पैर के नीचे का जो थाल होता है उसके द्वारा वह पसीने को खत्म करता है। हाथी को अधिक मात्रा में गर्म लगता है तो अपने कान को हिलाकर बार बार हिलाकर उसे खत्म करता है, वीडियो भी बनाए हुए हैं। लेकिन चूहा जो है वह चूहा को पसीना आता ही नहीं है, यानी कि एक बात रिकॉर्ड किया जाए तो चूहा को पसीना आता है। गाय जैसे कि तोता है उसे कोई भी अगर नाम उससे याद करा रहे हैं यानी कि कोई भी अगर बात उसे कह रहे हैं कि आपको यह बात प्रतिदिन बोलना है तो तोता उसको सीख कर प्रतिदिन वह बात बोलता है। लेकिन कौन सा जीव है जिसको अगर आप प्रतिदिन सिखा रहे हैं तो अपने आवाज़ में वह प्रतिदिन बोलेगा। चूहा, अगर चूहा को कोई भी अगर नाम कोई भी प्रक्रिया यानी कि कोई भी बात अगर सिखा रहे प्रतिदिन तो वह चूहा उस नाम से प्रतिदिन आपको बुलाएगा या जो भी। गाय चूहे का जो दिल होता है वह 1 मिनट के अंतर्गत कितने बार धड़कता है, जैसे कि मनुष्य का जो दिल होता है वह बहुत यानी कि 72 बार धड़कता है, एक पक्षी है उनका 1000 बार धड़कता है, इन्हीं प्रकार से चूहे का जो दिल होता है वह कितने बार धड़कता है। आप चूहे का दिल चौंक जाएंगे जानकर, उनका जो दिल है वह 632 यानी कि चूहे का दिल 632 बार धड़कता है 1 मिनट के। गाइज मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहता हूं कि जो चूहा है यानी कि रैट वो क्या अंतरिक्ष में कभी गए हुए हैं। आप कहेंगे अंतरिक्ष में नहीं गए होंगे, यानी कि छोटा सा जीव है वो अंतरिक्ष में कैसे जा सकता है, इसके लिए क्या क्यों भेजा जाएगा। जी हाँ, मैं बताता हूँ कि अंतरिक्ष में चूहा गया हुआ है। वह कब गया हुआ है, 1961 में फ्रांस ने अंतरिक्ष में चूहे को यानी कि पहली बार वह अंतरिक्ष में चूहा को भेजा हुआ। गाइस इंसान का जो हड्डी होता है वो हड्डी किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, आपने कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि इंसान का हड्डी किन किन प्रकार से बना हुआ है। जी मैं आपको पूर्ण बताना चाहता हूँ कि इंसान का जो हड्डी है वह फास्फोरस कैल्शियम और सोडियम यानी कि फास्फोरस सोडियम कैल्शियम और अन्य पदार्थ से भी मिलकर इंसान का जो हड्डी वहाँ तैयार हुआ है। गाइज मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ कि जो इंसान यानी कि मनुष्य का जो हड्डी होता है,
हाथ पैर गोर नाक ये सब हड्डियां होता है, इनमें से पैर इन समय से कौन सा हड्डी है वह सबसे अधिक बार टूटता है। सभी लोगों का यहाँ पर क्रिया है, यानी कि सबसे अधिक कौन सा हाथ टूटता है, डॉक्टरों द्वारा भी यहाँ प्रमाणित किया गया कि हाथ का हैंड का जो हड्डी होता है वह सबसे अधिक बार टूटता है, यह सभी लोगों का प्रक्रिया है। मैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।